नमन ये क्या है इतना ये शोर शराबा भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे, मे बी वीकेंड की वजह से है ना, वीकेंड पर आज जाओ ना सन, शायद वीकेंड की वजह से अच्छी नहीं थे आज भीड़ भाड़ की, अदरवाइज आज सी जाए रोजन पैक्ड। तो रास्ते में चेक करेंगे डॉक्टर, ये लोग यहाँ पे वेलिश बोलते हैं, आप देख लो ऊपर इंग्लिश में लिखा नीचे वेलिश में लिखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इज योर बॉय मिस्टर टी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर तुम चैनल पर नए हो चैनल को जरूर लाइक शेयर तो सब्सक्राइब। तो आज मौसम बड़ा असल ताफ चन के बट एटलीस्ट रूद तिशन पेवान केन। तो बद्राउस वेल्स, तो आई नेवर बीन टू वेल्स, बिशुस ने वेल्स जहां गुमन मशी गोइंग टाइम वेल्स गसुन। तो यहां से करीबन 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव है। तो दिमो नजर आज न्यूपोर्ट की जयशाह आइलैंड, तो लेट्स सी। वेल्स का बड़ा सुना है कि वेल्स इज ब्यूटी से बट बेहतरीन खूबसूरत वेल्स, तो इट्स एज सेम एज स्कॉटलैंड। घर द्रा आज लगन करीब डोड घंटे पे बे दी नजरा रोडस वो खूबसूरती क्या अख चीज फॉर श्योर आउट साइड यूके ट्रैवल करान यहाँ के रोड्स बड़े खूबसूरत है आउट भाई, साउथ वेल्स तो जा रहे हैं यार, आउट साइड यूके तो है, मतलब यूके की बात है, आउट साइड इंग्लैंड तो है, लंडन की बात कर रहा हूँ, लंडन नेबर का स्कूल है, तो लंडन नेबर ही साथ आउटस्कर्ट जाए के बड़े खूबसूरत व्यू नजर यप स्कूल बहुत ज्यादा कहें तो हमो ब्रो क फाइनली वह न्यूपोर्ट न्यूपोर्ट हॉलिडे इन होटल इत तो आउटस्कर्ट्स न्यूपोर्ट तो न्यूपोर्ट पान झंडे साउथ वेल्स उमन पे लैंग्वेज वेलिश बोलान तो अम ब्रो होमो साइन बोर्ड ये ऊपर इंग्लिश में लिखा था और नीचे वेलिश लैंग्वेज में लिखा था, तो यह होल डिफरेंट कंट्री ब्रो ती आया ये दिस होल होल डिफरेंट कंट्री होल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बो महाराज है। फाइनली वो न्यूपोर्ट चिक डेस्टिनेशन पे कोस्ताम लेक तो प्राइवेट लैंड बट ब्यूटीफुल प्लेस क्या जबरदस्त लेक सी अप हिल तम स्टीप तो उसके बाद आपको ये लेक देखने को मिलेगा लेकिन वारिया माशाल्लाह बेहतरीन वारिया खूबसूरत इंतहाई खूबसूरत जगह बड़ पीसफुल ना कोई शोर शराबा यहाँ पे सुकून शोर लेट्स गो दिस साइड पर दो नजर आया पर क्या वाटर स्पोर्ट्स कराओ कैसा लेकिन आज तूर खुदा ना खास अगर आबस गए अत लग वग कें वो अत पे कराने वाटर स्पोर्ट्स बोट्स लेते थे वो लेकिन चुन मुनासिब कर मौसम चुन दिवान इजाजत कह आज दुक ट्रिपस यूत मे बी ब्रो कुर मे कह मगर दि नजर उत मकान जनतस मन रोजान वाल व्यू क्या अमिस और यहाँ की पार्किंग का निज़ाम कुछ अलग है तशो ऑनलाइन पे वहाँ पेमेंट करें और इन केस कुछ साथ अगर इंसान सोच के ना बुक भर कहीं तो थाप इतक गाड़ी और बाय चांस अगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर आव तुम वो तुम गाड़ी तुन पार्किंग पेमेंट करम कहें तो आपका भारी नुकसान होगा तशो अच्छा खासा फाइन देना पड़ेगा उसका, जहाँ पे आपको 3 पाउंड देने होंगे वहाँ पे आपको करीबन 60-70 पाउंड देने हैं। सो ये चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे ये लोग बड़े सिविलाइज्ड है हर कहाँ से वहाँ पन पार्किंग से टाइमली पे करन अगर कहीं से 2 घंटे से थे 2 घंटे हिसाब भर बाकी दियो नज़र जाए कैसा खूबसूरत चीज माशाल्लाह। तो आजुक डे आउट वो इख्तदाम तो ये ब्लॉग करन ये जाए ख़त्म, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं
और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मेरे हैं 450 सब्सक्राइबर्स, ये आपकी बदौलत है, तो आपकी भरपूर सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। शो सम लव एंड सपोर्ट, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एटलीस्ट आई नीड टू मेक इट टू 1000, तो 1000 करवा दीजिए। बाकी लुक आफ्टर योर सेल्फ, अल्लाह मुबारक।